हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं देव फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही बॉम्ब होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऐसी स्मोक एडिटिंग फोटो कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो, ये है मेरा यूज़र आईडी, इधर जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। और चलो बिना वक्त गए वीडियो को करते स्टार्ट। Wiggle, wiggle. Like. हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारी वीडियो पे। तो गाइस, यहाँ पे मैं जो जो बैकग्राउंड और पीएनजी यूज़ कर रहा हूँ, सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना। तो सबसे पहले इस वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सार एप्लीकेशन में ओपन करना है, फिर यहाँ से ऐड फोटो में जाना है और जो आपको एडिट करना है वो फ़ोटो इधर ले लेना है। मैंने अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड पहले से ही इरेज करके रखा है, आपको भी अच्छी तरीके से इरेज कर देना है, फिर यहाँ से डन कर देना है। फिर ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से स्मोक वाला पीएनजी ले लेना है और इधर यहाँ से ऊपर सेट कर देना है। ओके, फिर यहाँ से डन। फिर आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है और ये नीचे वाला स्मोक पीएनजी ले लेना है और यहाँ से फुल साइज। ओके, यहाँ से डन। फिर आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से ये लेंस ले लेना है दो बार। ओके, फिर यहाँ से जाना है हमें ब्लेंड में और यहाँ से स्क्रीन कर देना है और एक लेंस को हमें इधर लगा देना है। फिर दूसरे वाला लेंस पे जाना है और यहाँ से कर देना है ब्लेंड में जाके स्क्रीन और इसे हमें इधर लगा देना है। ओके, फिर यहाँ से हमें डन कर देना है। फिर से हमें एड फोटो में जाना है और ये वाला पीएनजी ले लेना है, इसे हमें फुल कर देना है और यहाँ पे ब्लेंड में जाना है और यहाँ से स्क्रीन, ताकि वीडियो में एक अच्छा एक शानदार लुक आ गया है। फिर यहाँ से डन। अब हमें जाना है टूल्स में और यहाँ से एडजस्ट में जाना है और इसकी ब्राइटनेस को हमें थोड़ा हल्का सा बढ़ा देना है और यहाँ जो हाईलाइट है उसे हम बढ़ा देते हैं। ओके, फिर यहाँ हमें जाना है कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देंगे। ओके, हो गया। फिर यहाँ से शेडो, शेडो को हम बस ओके यहाँ से डन कर देना है। फिर हमें ड्रॉ टूल में जाना है और यहाँ से सेव इमेज कर देना है। ओके, और इस फोटो को हमें लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर देना है। तो अब हम हमारे लाइटरूम एप्लीकेशन में आ गए, फिर यहाँ से इस वाले टूल पे जाना है, यहाँ से फिर से कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देना है और ये हाईलाइट को बना देना। ओके, फिर यहाँ से जाना है इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इसको हमें माइनस पे ले जाना है विंटेज को। ओके, फिर से हमें इस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से इस वाले ऑप्शन को बढ़ा देना है ताकि हमारी फ़ोटो एकदम स्मूथ हो जाए। आप देख सकते हो कितनी स्मूथ लग रही है फ़ोटो। फिर हमें फिर से
इस वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से टेम्परेचर को हमें माइनस कर देना है थोड़ा सा। माइनस 4 पे रखेंगे, ओके। तो हमारा फोटो एकदम बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।